दोस्तों, अगर आप भी अपना नया प्लास्टिक वाला वोटर कार्ड बिल्कुल फ्री में मंगाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह सब पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सरकार आप सभी के लिए नया वोटर कार्ड जारी कर रही है। जो पुराने वोटर कार्ड थे उन सभी के लिए प्लास्टिक वोटर कार्ड में बदल रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी और आप भी अपने पुराने वोटर कार्ड को नए वोटर कार्ड में आसानी से बदल पाएंगे और यह प्लास्टिक पीवीसी का कार्ड सीधे ही आपके घर पे आ जाएगा। मैंने अपने घर के सभी मेंबर के प्लास्टिक वोटर कार्ड मंगा लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल की मदद से आसानी से सभी फैमिली मेंबर के प्लास्टिक वोटर कार्ड घर बैठे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी क्या प्रक्रिया होने वाली है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपको चले आना है अपने मोबाइल में, और मोबाइल में आने के बाद आपको अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम प्ले स्टोर में आ गए हैं। अब देखिए, आपको चलना है यहाँ सर्च पे, और सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है यहाँ पर देखिए वोटर हेल्पलाइन। ये देखिए, इस प्रकार से आप लिखेंगे वोटर हेल्पलाइन। तो दोस्तों, जो वोटर हेल्पलाइन का मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके सामने आएगा। आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है और अपने मोबाइल में इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा। देखिए, आपको ओपन के बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगा। कुछ सेकंड का आपको यहाँ पर वेट करना है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अगर देखिए आप पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए आप न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं तो अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। तो मैं नया हूँ तो इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा, जहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद अपना एक पासवर्ड, और यहाँ पर जो ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजा गया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक जो है पासवर्ड तैयार हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड तैयार कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पासवर्ड तैयार होने के बाद देखिए फिर से इसी पेज पे आना है। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर देना है और जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड दीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, यहाँ पर वो आपको ओटीपी भरना है और ओटीपी भरने के बाद आगे बढ़ना है। तो देखिए ओटीपी डालकर हम यहाँ लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए आपको ढेरों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्लास्टिक वाला पीवीसी वोटर कार्ड मंगाना चाहते हैं अपने घर बैठे अपने घर पे। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर लिखा है वोटर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर लैंग्वेज चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चुनिए, और लैंग्वेज चुनने के बाद देखिए आपको चले आना है नीचे, और यहाँ पर एक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है देखिए फॉर्म करेक्शन 8 का, फॉर्म 8 करेक्शन ऑफ एंट्रीज, क्योंकि यही से आप अपनी ईपिक वोटर कार्ड को रिप्लेस करा सकते हैं। तो इसी पे हमें क्लिक करना है, और क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे की ओर चले आना है, और देखिए यहाँ लिखा है लेट्स स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले से जो आपका वोटर आईडी नंबर है, अगर है तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको वोटर नंबर डालकर आगे बढ़ना होगा, और अगर आप नो करते हैं तो आपको अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन से अपना नाम सर्च करके आगे बढ़ना होगा। तो हमारे पास पुराना वोटर कार्ड है तो हम यस करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए हमें वो वोटर आईडी नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना स्टेट चुनना है, यहाँ पर सभी स्टेट आते हैं, और फिर फैच डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फैच डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से लिखा आएगा, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर इंटर वोटर आईडी, प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक होते ही देखिए इस प्रकार से पेज आ जाएगा जहाँ पर आपकी जानकारी खुल के आएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपकी संपूर्ण जानकारी खुल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी पर्सनल जानकारी दिखाई देगी, तो आपको इसे चेक कर लेना है और नीचे चले आना है। और नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पर
आधार नंबर डालने के लिए आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना आधार नंबर भर देना है, और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद चले आना है नीचे, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है शिफ्टिंग रेजिडेंट, तो अगर आप कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं तो इस ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन है करेक्शन ऑफ एंट्रीज, अगर आप अपने वोटर कार्ड में कोई सुधार करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प को चुनेंगे। और तीसरा ऑप्शन है इशू ऑफ रिप्लेसमेंट ईपिक विदाउट करेक्शन, तो जैसे कि आप अपना प्लास्टिक वाला चाहते हैं तो आपको इसी ऑप्शन को चुनना होगा। तो चलिए हम इसे चुनते हैं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा जहां पर बोल रहा है कि क्या आपका लॉस्ट हो गया है। अगर आप पहला लॉस्ट वाला विकल्प चुनते हैं तो देखिए नीचे आपको अपने एफआईआर की कॉपी अटैच करनी होगी, तो आपको पहले पुलिस में एफआईआर करनी होगी, उसके बाद जो वहां से कॉपी मिलेगी वो यहां अपलोड करेंगे। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रॉयड का, अगर आप डिस्ट्रॉयड का ऑप्शन चुनते हैं तो यहां पर देखिए आपको पुलिस को जो एफआईआर कॉपी है वो अपलोड नहीं करनी है, तो हम यहां पर डिस्ट्रॉयड चुनेंगे। उसके बाद देखिए नीचे चेकमार्क लगाना है, और चेकमार्क लगाने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इस प्रकार से पेज आएगा, यहाँ पर आपकी सारी जानकारी दिखेगी और डिक्लेरेशन यहाँ पर होगा। आपको नीचे चले आना है और देखिए यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लेस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर लिख देना है और डन के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी संपूर्ण जानकारी दिखाएगा, आपको एक बार सब कुछ चेक कर लेना है, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पर मिल जाएगा और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे ही आप आवेदन को सबमिट करते हैं और आपको वहां पर एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से इसी पेज पर आ जाना है, क्योंकि यहां से आप क्या करेंगे अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपने जो यहां पर रिप्लेसमेंट के लिए यहां पर अपना ऑनलाइन आवेदन किया है तो उसकी क्या स्थिति है। तो फ्रेंड स्टेटस चेक करने के लिए देखिए फिर से आपको वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज आएगा जहां पर देखिए यहां पर सबसे ऊपर ही लिखा है ट्रैक स्टेटस योर फॉर्म। तो यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही इस प्रकार से पेज आएगा, देखिए जो आपने यहाँ पर आवेदन सबमिट किया है तो जो रेफरेंस नंबर मिला होगा वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट चुनना है और ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप अपने वोटर कार्ड को मंगा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।